ऑफ अ प्रॉब्लम दैट एफ एक्स जो वो हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये तो एक पॉलीनोमियल फंक्शन है सिंपल सा, देन फाइंड एफ डैश वन इफ एग्जिस्ट। तो एक तो तरीका ये है कि पॉलीनोमियल फंक्शन है हमको पता है कंटिन्यूस होता है डिफरेंशिएबल होता है, तो हम डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट बाई यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब कि जो डेफिनेशन है उसको यूज करके हमको एफ डैश एंड एफ डैश वन बताना है इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो एफ डैश ए क्या होता है, एफ डैश ए होता है हमारे पास में दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एफ डैश वन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ए की जगह पे अगर हम वन पुट कर दें तो ये हो गया एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एफ एक्स जो है वो हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन अगर हम अलग से इवेल्युएट करें तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे वन रखा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा वन का स्क्वायर इज वन माइनस फाइव इंटू वन इज फाइव, तो ये आ गया माइनस फोर। तो एफ एट वन आ गया माइनस फोर, माइनस और माइनस फोर जो है वो बन गया प्लस फोर एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब अगर आप देखो तो ये जीरो बाई जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फैक्टर अगर हम करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन दिस इज एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ओके, सो नाउ इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो ये तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म अब हट गया, तो अब आप x को 1 की तरफ टेंड कराओगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री। तो एफ डैश वन जो है वो आ गया माइनस थ्री के बराबर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आ गया आपके पास में कि फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू वन पर, क्योंकि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है और एक फाइनाइट वैल्यू आ गई आपके पास में दैट इज माइनस थ्री। सो दिस इज फेयरली सिंपल। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव दैट एफ एक्स जो है वो ई पावर माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तब जो डेफिनेशन है वो है ई पावर एक्स। सो बेसिकली हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब कि एफ एट जीरो जो है वो, अगर आप यहाँ से ऐसा गिवन है बेसिकली कि एफ एट जीरो जो है वो वन है, ई पावर जीरो दैट इज वन। ठीक है बात, तो हमको बताना है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और नॉट। ठीक है, तो बाई डेफिनेशन वी कैन से दैट एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ एट जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स जो है वो क्या है ई पावर माइनस एक्स, एफ एट जीरो क्या है एफ एट जीरो जो है वो वन है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। तो हमको पता है कि लिमिट ई पावर में एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वन होता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में जब माइनस एक्स होगा तब ये वैल्यू वन होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये जो लिमिट है यहाँ पर आर्गुमेंट में माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी माइनस एक्स होना चाहिए तब हम उसको डायरेक्टली वन लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में माइनस एक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स को माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई, तो एक माइनस जो है वो एक्स्ट्रा आ गया तो वो उसको हमने अलग से लिख लिया। तो अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गया आपके पास में वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो एफ डैश जीरो जो है वो कितना आ गया माइनस वन आ गया। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश जीरो जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है दैट इज माइनस वन। ओके, तो डेफिनेशन को यूज करके हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एफ डैश ए जो है उसको हम लिखते हैं इट इज इक्वलेंट टू राइटिंग अ लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर एफ डैश ए। ओके, सिंपल। चलिए नाउ